मैं सरकार को कहना चाहता हूं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटना चाहती है, अगर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस समिति से हटाने के लिए इतनी बेकरार है, तो मैं आज सुझाव लाया हूं कानून मंत्री जी, 3 सुझाव मेरे, इनमें से अगर आप कोई सुझाव स्वीकार कर लें तो मुझे लगता है सारा हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा। पहला सुझाव यह है, ये 3 ऑप्शन लाया हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन यह है कि चुनाव आयोग का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इसका गठन 2 मेंबरी समिति करे जिसमें 2 लोग हों, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या विपक्ष के नेता। ये 2 मेंबर्स सर्वसम्मति से फैसला ले, यूनानिमिटी से, क्योंकि 2 लोगों में मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो 2 लोग सर्वसम्मति से फैसला ले, जो भी नाम तय करेंगे हम सब मान जाएंगे। ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मैं देना चाहूंगा सरकार को, जो लालकृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। लालकृष्ण अडवाणी जी की बात मान लीजिए, मेरी मत मानिए, आपको आम आदमी पार्टी तो पसंद नहीं, पर अपने पेट्रियार्क फाउंडिंग फादर, आपके पितामह भीष्म लालकृष्ण अडवाणी जी का फॉर्मूला ले लीजिए। 5 मेंबरी समिति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 मेंबरी समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का चयन कर लेगी। और तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं, तो मैं आपको वो ऑप्शन बताना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेसर शिवन लाल सक्सेना ने दिया था। वो था कि जो भी नाम ये चयन समिति तय करे, वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं और 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा से नाम पास हो जाए, वो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। मैं सकारात्मक बहस कर रहा हूं, मैं ऑप्शन लाया हूं, ये 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए, सारे विपक्ष को मनाने की, एकजुट करने की जिम्मेदारी मेरी।